जो कायनात की जीनत अली है, उसकी जीनत का नाम ज़ैनब है। मालिक तुम सलामत रख, तवज्जो है। उन्हें को लफ्ज आखना है कि मजलिस वो कहेंगे जिंदगी बाकी मुलाकात। फिर तवज्जो, क्योंकि मसायल कुछ इस तरह के ने कि बंदे अपने अपने अकीदे बना के बैठे ने। तवज्जो नहीं तवज्जो, मैं फजाइल दर्ज कर लगा। बाइबल क्योंकि सगेद ने तो घर की कहानी है, तो वे बीबी ज़ैनब ऐसे वली है जैसे अली वली है। चलो नहीं आओ, कुराने पाक पढ़ी जरी जाके कुरान। कुरान में जिक्र मिलता है कि मूसा नबी साहिब कलमा साहिब शरीयत नबी साहिब किताब नबी, और कह रहे मेरे अल्लाह मुझे कोई बंदा बता जिससे मैं सीखूं। भाई तवज्जो है या नहीं साहिबाना, मुझे जल्दी बात मुकम्मल करना है, वक्त नहीं, मुझे जल्दी अर्ज करना है कि महिले से पहुंचना है। और बाबा जी पहली महिले से हो रही है, दुआ भी फरमाया जे तो बानिया मैंने आख्या भी तुसी आवो भी तुसी सारे चंगा गल के सुना दूंगी। अदाली बांट पहली महिले से मुझे जल्दी पहुँचना है। हज़रत मूसा कह रहे हैं मेरे अल्लाह मुझे कोई बंदा बता जो मुझे सिखाए। मूसा पहुँचे तो हज़रत हिजर से बोलो ना मुलाकात, कुरान का वाक्य जल्दी जल्दी। उदो वे कश्ती च बैठे, कश्ती तो पार लगन लगे तो जनाब हिजर ने कश्ती तोड़ दी, सुराख कर दिया। मूसा आख्या भी कमाल पे कर दिए उस्ताद जी, उन्हें किराया भी नहीं लिया, बोलो ना तुसा कश्ती त्रोड़ दी है। उन्होंने कहा भी तैनू मैं आख्या सी ना भाई तू मेरे को सिख नहीं सकता, तू सबर नहीं करना। इहदा मतलब है बंदा बेसबरा होवे तो नबी को भी नहीं सीख सकता। अल्लाह तुहानू सलामत रखे जिहड़े मुझे पहुंचे, मालिक सलामत रखे। तो आगे बात खैर उन्होंने कहा भी अगे बादशाह बैठे है तो वह उन्हें कश्ती कब्जे कर लेनी है, मैं ऐबदार कर दिता ताकि बादशाह ना ले। तवज्जो अगे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब हिजर ने एक बड़ा खूबसूरत बच्चा देखा तो उन्होंने चुक के दीवार नाल मारिया। मार मैं कमाल किए भी एडा सोहना बच्चा मार दिता ही। उन्हें आख्या भी इसकी पेशानी तो लिखी असी काफर है, तो मैं इस गले मारिया भी ये माँ प्यो यदि मुहब्बत काफर ना हो जाए, दुआ करने अल्लाह इन्हों और दे। तवज्जो जी मैं दसन लगा बीबी किडे वे वली ने, तो हिजर किडा वा वली है, किन्ने को बंदे साथ दोगे ये जुमले के अर्ज करने के बाद मैं देख लूँगा। जनाबे हिजर और मूसा आगे गए तो दीवार गिर रही थी, पिंड वाले ने आख्या रात रख लो। उन्हें आख्या जी मौला मौला करो साढ़े को तो जगह ही कोई नहीं। और पिंडू निकलते पे सन दीवार गिर रही थी, उन्हें खड़ी कर दी। उन्हें आख्या लै भी कमाल हो गया सानू ना पिंडू कटे है, तुम दीवार खड़ी पे कर दे। उन्हें कहा कि इस दीवार के नीचे यतीमों का खजाना था। आए आए ठीक है, इस दीवार के नीचे यतीमों का खजाना था, मैंने चाहा कि उनका खजाना महफूज हो जाए। मैंने चाहा बाबा जी इतने दुख लगेगा जेड़े बंदे नूं मेरी समझ नहीं आवनी, फिर उन्होंने किसी की समझ भी नहीं आवनी। हिजर बाबा जी वली हैं, मूसा नबी हैं, और हिजर कह रहे हैं इस दीवार के नीचे यतीमों का खजाना था, मैंने चाहा कि यतीमों का खजाना महफूज हो जाए। अब पता चला जो आम यतीम का खजाना महफूज करे वो हिजर वली है, जो हुसैन का बेटा सज्जाद महफूज करे वो ज़ैनब वली है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमा रहे हो, दिल बेदार फरमा रहे हो। जुमला अगे है जी, मालिक तुम सलामत रखे, मौला थोड़ियाँ तो फीका तेरे उस करे। जल्दी जल्दी मैं गल करना चाह रहे हैं, यानी जनाबे मूसा नबी हैं और सीख रखे गए हिजर से, और बाबा जी 73 फिरके कहते हैं कि हिजर वली है, मूसा नबी है, हिजर वली है। जो मूसा को सिखाए वो हिजर वली है, जो अब्बास को सिखाए वो ज़ैनब वली। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद नी सलवात दवाजे बुलंद दर्ज करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बस खत्म जी। विलायत नाम है इख्तियार का, बस खत्म। विलायत नाम है इख्तियार का, मुस्तफा वली मुस्तफा बा इख्तियार, अली वली अली बा इख्तियार। बाबा जी मेरे मौला अली अकबर बादशाह की जियारत का
पहला लफ्ज है अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह। बंदे ते अली दी विलायत ते बहस पे करते हैं, यहाँ अकबर भी वली है। हाय हाय बोलो यार, आखा जुमला आखा जुमला आखा जुमला। जो अली जैसा वली पाले वो मोहम्मद है, जो अकबर को पाले वो बीबी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, मालिक तुम सलामत रहो। तवज्जो इधर तो फिर किस बस आज ये फिर जुमला इतने जिक्र पाक मुकम्मल करिए। विलायत एक जेन च रखो जी, विलायत सिर्फ नमाज च पढ़न का नाम नहीं। विलायत इख्तियार का नाम है। अबू जेल मेरे नबी के पास आया, बाबा जी दिन दे 12 बजे का टाइम। अबू जेल मेरे नबी के कोल आया और आकर कहता है कि राणा जी मुस्तफ़ा आपका इख्तियार कितना है? सामने सूरज था, सामने सूरज हूँ 12 जो है सामने सूरज था। मेरे मुहम्मद ने करके ना सूरज नू वेख के ना तो अपनी उंगली को बस ऐसे किया। मुस्तफ़ा मुंह नहीं बोले, मुस्तफ़ा ने ऐसी उंगली को नीचे किया। बाबा जी आसमान का सूरज मुहम्मद के कदमों में आ गया। तवज्जो फरमा दी, जिन बेदार फरमा दे, बस जुमले मुकम्मल कर लगा। यानी मैं इख्तियार दसन लगा, फिर तो बीबी का इख्तियार के विलायत दस के जिक्र पाक मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तफा ने इशारा किया आसमान का सूरज मुहम्मद के, बोलो ना मेरे नाल, कदमों में आ गया, हाथ हो गई है। मुहम्मद ने इशारा किया आसमान का चांद मुहम्मद के कदमों में आ गया, इशारा किया सूरज आ गया, इशारा किया चांद आ गया। बाबा जी बुक्स अली आखा, बंदियां दे नापाक छजरे आखा, बंदियां दा भैड़ा मुकद्दर आखा, इन बंदू को मुहम्मद के कदमों में आसमान का चांद नजर आता है, मुहम्मद के कंधों पे इमरान का चांद नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी चल, मालिक तुम सलामत रखो। खत्म जी, बस इतने एक मिनट अपनी अखां ते भी कंट्रोल रखना है। मैं आख्या ना इस बीबी दे मसाए बिच फजाइल है। तवज्जो नतीजा हूँ एक जेहन च गल रखो, विलायत इख्तियार दा ना है। विलायत इख्तियार, इख्तियार है तो वली है। आद हो गए बंदे ट्रैक्टर शाह नूं वली मान गए ने, ज़ैनब नूं वली नहीं मानते। साईं ट्रैक्टर सरकार वो वली है, कमा लो। तवज्जो बाजी, यजीद अपने तख्त पे बैठा था, इधरों देखना इधरों देखना इधरों, नतीजा नतीजा लेना। यजीद अपने मिंबर पे था और सफीर रोम का कहता है भी तू कैदा कैसा इंसान हो, तुमने अपने नबी का नवासा कत्ल करवा दिया, क्यों करवाया, इधरों देखना। तो यजीद कहता है सफीर रोम को, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था। जदू आखदा सी ना भैया मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, अली की बेटी विलायत मनवाने दरबार आ गई। हुण बोलो जिहड़े बंदे बोल सकदे जनाबे रूहानी फरमाओ। तवज्जो थी, ये उहदे जुमले सन भाई नवाज यजीद दे जुमले सन कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मान। ऐन बाबा जी उस वक्त बीबी पाक का कदम दरबार के अंदर आया, बीबी ने सुन लिया, हैं बता क्यों क्यों कत्ल करवाया? कहता इख्तियार को नहीं मानता था। बीबी कहती है तेरा इख्तियार है क्या? ऐदरू वेखना, जड़े बंदे बोल सकते हो मेहरबानी फरमाना, ऐदरू वेखना तेरा इख्तियार है क्या? इंज सुनना है तुम हक अदा फरमा रहे हो। इंज करके ना अली के अली बेटी फिर जलाल में आई ना, तो मेरी मखदूमा देख के फरमाती है यजीद मैं बात करना चाहती हूँ, ये तो तेरे महल का रोशन दान है ना, इस हवा आ रही है, तरले तो मैं सियालकोट नारोवाल कर लेना इस गल से थोड़े सामने करा, तो फिर मैं तुसा वो बंदे हो जिन्हें बचपन से मैंने पढ़ना सिखाया, हूँ थोड़ा तरला मिनत नहीं ना। बीबी कहती है यजीद ये तो तेरे महल का रोशन दान है ना, इससे हवा आ रही है, मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है, हवा को रोक। इस हवा को रोक। कहता जी मैं नहीं रोक सकता। बीबी कहती है तेरा इख्तियार क्या है? बोलो यार छड़े बंदे बोल सकते हो, तेरा इख्तियार क्या? फिर बीबी बोली, बीबी कहती यजीद ए बाबा जी तुसी ते सगत बादशाह सारे जानते हो, फिर हैदरशाही बैठे ने, जिहड़ा घोड़ा है ना घोड़ा इहदी एक आदत है, ये चारे पैर कट्ठे नहीं रख सकता, एक चुकता है बिल्कुल इसे तरह। बीबी कहते जितने दरबार में घोड़े हैं ऊपर सिपाही हैं, एक कदम पे चुक दिन थले रखते हैं, आवाज़ पैदा हो रही है घोड़ों को कह कदम रोक ले।
अल्लाह थानू सलामत रखे, मौला थानू सलामत रखे। एधरू तवज्जो फरमाना। कहते ये जानवर हैं, मैं इनके कदम कैसे रोक सकता हूँ। बीबी फिर कहती है ये जो ऊँट है ना, ऊँट गर्दन को ऊपर नीचे करता है। बीबी कहती है ऊँटों के गले में घंटियां हैं, गर्दन ऊपर नीचे कर रहे हैं, इनको बोल गर्दन को रोक ले। कहता बीबी जानवर का, बीबी कहती है बस ना हवा रोक सकता है। हाय हाय बोलो यार, ना हवा रोक सकता है, ना जानवर को रोक सकता है, ना इंसान रोक सकता है। इत्थे अली की बेटी ने किसे बंदे दा शेर है मनु नहीं पता किदा, उसने कहा मुतमाइन था हुसैन का सर, नौके नेजा पर क्यों अली की बोलती महजल भलावा जो साथ थी। अल्लाह अकबर। तो मौला सलाम एडे औखे औखे बनाए थे बाबा जी, औखे मौजूद हर गुलाम करके हाय दरी शाली एडे औखे मौजूद थे। बीबी कहती है बीबी सफीले रूम को मुखातब होकर, सफीले रूम ये झूठ बोल रहा था, इसको कहना हवा को रोके, जानवर को रोके। कहता बीबी ये कह रहा मैं नहीं रोक सकता। अली की बेटी फिर अली के लहजे में बोल कर कहती है उसको तू खामोश। कहते कि बीबी का खामोश कहना था हवा ना बंद हो गई। हाय हाय हाय, हवा ना बंद हो गई, जानवर के कदम रोक के ऊँटों ने गर्दने रोक ली। बाबा जी जिस बंदे का अंदर सांस था अंदर रह गया, जिसका बाखिर था बाखिर रह गया। जैनब जलाल में आकर कहती है याद रख हम तेरे कैदी नहीं, उसकी रजा के। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह वाह वाह। अली की वलिया बेटी अमीना या मोहम्मद बेटी बीबी फरमाया अगर मैं चाहूं बड़ा मारा है उम्मत ने अली की बेटी। आपने बहुत ज्यादा मसाइल सुना, जाकिर दिलबर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, वो आपको सुनाएंगे। शाम सदात को खा गई है, बाबा जी की बड़ी खुलूस की सफेजा है, मेहनत है सैयदादे की, और बिलखसूस खुलूस है। जिन्ने बैठी हो ना एक बारी दुआ कर लेना, मेरे अल्लाह किसी मोमिन मर्द मस्तूर को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक शाम जाके ज़ैनब को सलाम ना कर। अगली फिर मैं थोड़ी मिन्नत कर लेना, सिर्फ ये दुआ ना करो भी या अल्लाह शाम ले जा, ये दुआ करना अल्लाह जब मैं शाम जाऊं या बहन साथ हो। हाय मेरे अल्लाह, हाय मालिक जिंदगी फरमाए, अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए, या बहन साथ हो बजाज शादी, या बेटी साथ हो, और शाम के बाजार जाके उस बाजार में बेटी को कहना आगे चल। हाय हाय, जब तेरी बेटी चार कदम चल के थक जाएगी ना फिर कहना ज़ैनब तेरा हौसला था। मरहबा बीबी तेरा हौसला जो इस बाजार में चलती रही। अज़रकुमल्लाह, अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम ना दे। बीबी आपके आंसू कबूल फरमाए, हुसैन दी पाक अम्मा तुहानू किसे दा मुहताज ना फरमाए। इक्को दुआ जी और दुआ करते हैं और मैं मिंबर जाकर दिल पर के हवाले कर देता हूँ। इस दुआ में ना पहला तो अपने वास्ते मंगो, बिलखसूस वो बंदा जी की बेटी है या भैन है, वो बंदा बाबा जी ये दुआ विच जरूर शामिल हो। दूजा मैं थोड़ा तरला कर लिना, अगर थोड़ा कोई दादा भी दुश्मन है शरीक है, अगर दुआ दे विच यकदम ओदी बेटी आ जाए ना दुआ बाबा जी कढ़ना नहीं मंगा फिर दुआ जी। ऐ वेख लो ना बाबा जी राय बिंडाड़े दुआ वास्ते त्रै त्रै दिन आंसुआ का इंतजार करते ने, ये तो फिर साढ़े ते करम है यार, ज़ैनब का ना आवे तो फिर आंसू आ जाते, हाय अली अकबर का ना आवे हाय फिर आंसू आ जाते ना। आंसू मेरा भी आ गया, तुहाडे भी सारिया के आंसू ने, जेड़े बंदे दुआ वास्ते हाथ चुकते चुक लो मंगा दुआ बाबा जी दया वास्ता। मेरे अल्लाह तुझे बीबी ज़ैनब के
शाम के बाजार में बैठ के सफर करने का वास्ता। आज रुकम अल्लाह हाय ओ मेरी अल्लाह, अल्लाह थोड़े आंसू कबूल फरमाए, अल्लाह थोड़े आंसू कबूल फरमाए। सैयदो बीबी तुम किसी का मुहताज ना फरमाए। एक मैं गुजारिश करा बाबा जी, मौला सज्जाद से एक बंदे ने मदीने पूछा था, मौला आप शाम के किस मंजर को याद करके खून रोते हैं? सज्जाद ने रोते कहा था, शाम के बाजार में मेरी फुफियों पर एक ऐसा वक्त आया था आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, हाय मेरे अल्लाह, और पीछे वाले धक्के देते थे, और इन धक्कों में मेरी फुफी जमीन पे गिर पड़ी। बस अजादारो आखिरी लफ्ज, आखिरी लफ्ज। बाबा जी तुहाडे मेहमान ने ना अज जनाबे जहरा भी, जनाबे जैनो भी, मजलिस खत्म हो जाए ना जेड़े वाले, तो फिर मुसल्ला पायो, दो रकत पढ़ के दोवां बाहां दियां दा शुक्रिया अदा कर सके हो भी तुसी बीबी आए सो, थोड़ी मेहरबानी, असा गुनहगार कट्ठे होए सां ते सारियां वास्ते दुआ भी अल्लाह दा कर देना। बस आखिरी जुमला है, तुम देखो बीबी आ गई ना शाम से मदीना। बाबा जी मैं तकरीबन 5 साल पहला सिंध आख्या भी बीबी शाम से मदीना आ गई। एक नौजवान उठा इधर मातम करे, आंदा जुमला थोड़ा ठीक है लेकिन बदल के आखो, ये ना आखो भी जैनब आ गई, बोलो अली की बेटी का जनाजा मदीने आ गया। आंदा जड़ी शाम चेने पत्थर खाया ये तक जिंदा आज रखो मल्ला, अली की बेटियां जनाजे अजादारों पर आखिरी लफ्ज मालक कबूल फरमाए। जब शाह जी आए ना अली की बेटियां जनाजे अहलवाना मदीने आए, मालक बेटियां मुकद्दर नेक करे। बीबी उम्मे लुकमान जनाबे मुस्लिम बिन अकील की बहन है, बीबी उम्मे लुकमान है। इस लफ्ज में करे कलियां बह के ना कलियां, फिर सोचियो भी होया कि ये, फिर पता लगेगा भी की होया। ये बीबी नवाज 17 दिन मुकम्मल पी रहे दरशाह जी, शाम से पहले आती थी, इशा के बाद चुप करके उठ जाती थी। हाय मेरे अल्लाह, पूछन सवाल आती सी ना एंड बीबी का चेहरा वेखना तो बगैर सवाल पूछी उठ के चली जाती थी। बाबा जी जब उस 18वें दिन आई है ना और उठ के जाने लगी है, बीबी जैनब कहती है, उम्मे लुकमान मुझे पता है कि तू सवाल करने आती है और सवाल नहीं करती, पूछ क्या पूछना चाहती है? रोग कहती है, बीबी डरती हूँ, लफ्ज बड़ा डर जाए कि मैं सवाल करूँगी आपका दिल दुख जाएगा, बीबी आपको तकलीफ महसूस होगी। बीबी रोग के फरमाया, जब से मेरा गाजी उतरा है ना, आया मेरे अल्लाह, मेरे केड़े मिजाज रह गए, मेरे केड़े अमन रह गए, अब आज तो बात तो मैं उठे भी गई हाँ जिसे नहीं जाना। आज रुकम अल्लाह, अल्लाह थोड़े आंसू कबूल फरमाए। पूछ लिया तू जो पूछना है, बास तू बाद मेरा केड़ा रह गया। रो कहती बीबी इधर वेखना, उठी बीबी जी इंज, बाबा जी बीबी दी कदमां ते हाथ ला के ना बीबी उम्मे लुकमान हाथ बांध के खड़ी हो गई। कहती है, बीबी मैं 15-17 दिन तू रोनी हूं, एक सवाल एक चीज मुझे सोने नहीं देती। बीबी जरा तुसी मनु दसो, सुन लो के मदीने से दात आ लियो। बीबी फरमाती है, पूछ उम्मे लुकमान क्या पूछना है? रो के कहती है, बीबी आपके हाथ वाला जख्म। वाह भाई वाह, हाय जेड़े हा मालक तेरी बेटी दे परते सलामत रखे, जेड़े बंदे दे ज़हन विचों कुछ आखे अखा लफ्ज़ बाबा जी, जे बंदे रो सकदे ने पीर वजाह शाह दी रवायत दा लफ्ज़, बीबी आख्या जेड़े तुहाडे हाथ विचों खून के कतरे गिरते हैं ना, ये कतरे तो मेरी समझ में आते हैं कि आपको लोहे की हथकड़ियां पहनाई गई थी। बीबी आपके सर से गिरने वाला खून मेरी समझ में आता है, आ